देखिए, एक वेक्टर का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है समझिएगा। लेट ए बी सी बी डिस्टेंट नॉन निगेटिव नंबर्स इफ द वेक्टर ए आई प्लस ए जे प्लस सी के आई प्लस के एंड सी आई प्लस सी जे प्लस बी के ला इन अ प्लेन देन सी। अगर थ्री वेक्टर्स दिए हों और वो प्लेन में लाई कर रहे हो तो वॉल्यूम ऑफ पैलोपॉइड जीरो होता है, यानी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का ये क्वेश्चन है। ये वॉल्यूम होता है और ये जीरो अगर है तो वेक्टर्स आर कोप्लेनर, राइट। या इसका मतलब ये भी होता है ए डॉट बी क्रॉस सी, यानी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। क्या करना है, बड़े ही सिंपल तरीके से आपको ए बी सी निकालना है। इसका सिंपल तरीका होता है कि फर्स्ट वेक्टर, सेकंड वेक्टर और थर्ड वेक्टर के डिटरमिनेंट को फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो में पुट कर दो। अब जैसे कोई भी ले सकते हो आप, एक है ये मान लीजिए आई प्लस जे के, एक है सी आई प्लस सी जे प्लस बी के, और एक है सी वेक्टर मान लीजिए ए आई प्लस ए जे प्लस सी के। तो हम ऐसा लिख सकते हैं आई जे के तो वन जीरो वन, सी सी बी ए ए सी। दिस डिटरमिनेंट शुड बी जीरो इज कॉल्ड कोप्लेनर वेक्टर्स, ये कंडीशन है। तो अगर आपको वेक्टर का ये क्वेश्चन हो सकता है कॉम्प्लिकेटेड लगे, पर अगर कंडीशन पता है तो आप बहुत ही सिंपल अप्रोच से कर सकते थे इसको जीरो से इक्वेट करना। आप चाहो तो इसको भी आप जीरो बना सकते हो, तो वन सी ए जीरो सी ए जीरो बी माइनस सी सी माइनस ए। अब इस वन के लिए आप जब सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा सी इंटू सी माइनस ए माइनस ए इंटू बी माइनस सी, दिस शुड बी जीरो। तो सी स्क्वायर माइनस ए सी प्लस ए बी प्लस ए सी इक्वल टू जीरो, ये कैंसिल। तो सी स्क्वायर ए बी के इक्वल आया, इसका मतलब ए बी ए सी बी जो है वो जियोमेट्रिक मीन हुआ। तो आपसे पूछा सी तो आप बोलोगे जियोमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड बी, यानी सी जो है वो ए और बी का जियोमेट्रिक मीन है।